अभी तक तो नजर आ रहा है कि जब संजानी साहब को रियासत का नुमाइंदा कहते हैं, बात तो ये भी आप देखेंगे, जो दोनों जो उम्मीदवार हैं सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, लेकिन खैर उसको भी छोड़ दें। फ्रेंड की थी नून लीग के रहनुमाओं ने, वो अभी एक नदीम मलिक के प्रोग्राम पे भी आए थे और उनसे ये भी पूछा गया था कि आपके पास क्या एक रिकॉर्ड है, तो कहते हैं मेरे पास रिकॉर्ड जरूर मौजूद है, वो फोन कॉल है। हम मामला सीरियस है। एक तरफ ये भी मैं कहूंगी कि मैं ज्यादा प्रिडिक्शन में तो नहीं जाती, मेरी कोशिश तो हमेशा यही होती है, लेकिन कल के इंतखाब में क्योंकि इतना क्लोज है, स्लाइट ऑफ हैंड भी आपको नजर आ सकता है कि आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी आप वजह बना सकते हैं, लेकिन जो भी जीतेगा उससे आपको नजर आएगा कि एस्टैब्लिशमेंट कितनी न्यूट्रल है कितनी नहीं है। गिलानी साहब अगर जीतते हैं वो एक तरफ का झुकाव नजर आएगा, और अगर पीटीआई के संजानी साहब जीतते हैं तो फिर वो दूसरी तरफ का झुकाव नजर आएगा। तो मैं यहाँ तक इसको यहाँ छोड़ देती हूँ। अब मेरे ख्याल में कि ये बहुत सीरियस और बहुत संगीन इल्जामात हैं, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी आपको नजर आ रहा है कि इख्तलाफ है। पंजाब के हवाले से भी, पंजाब में से वार करनी है और उससे क्या हासिल होगा और किसको हासिल होगा, तो ये गेम जो है इस वक्त मल्टीपल लेवल्स पे चल रही है। और कल लेकिन मैं इसमें एक और भी चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि जो हमने ढाका में तशद्दुद देखा, हमने जो हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ जो लेजिस्लेटर थे उनके खिलाफ जो तशद्दुद देखा और फिर उनकी जो उन्होंने अपना दिफा जो किया था, ये मुझे खदशा है कि ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक तरह से आप देखें कि अगर गिलानी साहब हार जाते हैं तो पीडीएम और ऑपोजिशन जमातों के बयानिए को जाहिर है एक तरह से वैलिडेशन भी मिलती है और वो लॉन्ग मार्च की तरफ भी जाएंगे और फिर तशद्दुद नजर हो सकता है, मजीद जो अभी बाय इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी तशद्दुद नजर आ सकता है। तो मुझे बहुत खदशा है कि हम मजीद कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये चीजें हल नहीं होने वाली और ये सेनेट के इलेक्शन चेयरमैन के इलेक्शन की वजह से ये हल नहीं होंगी। जी, चेयरमैन के इलेक्शन से ये हल नहीं होगी। सोलंकी साहब आपकी तरफ आते हैं और यही सवाल आपसे भी, और कल के इंतखाबात के हवाले से अंबर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कल का जो रिजल्ट होगा वो इस चीज का जो है इशारा देगा या इंडिकेट करेगा कि सूरत हाल क्या है, न्यूट्रलिटी की असल जो है सिचुएशन कहाँ पे है और क्यों है। जरा आप अपना तबसरा दीजिए। अभी हम चंद घंटे दूर हैं इलेक्शन से और उससे पहले ही दर्जा हरारत जो है वो बहुत बुलंद हो रहा है, और इस बुलंद होते हुए दर्जा हरारत के ही आसार हैं कि आप ये देख रहे हैं कि पिछले 4 रोज से मुसलसल पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है और आज तक कोई 3,000 से जायद पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जा चुका है। तो अब जो कसर रह गई थी वो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरी की जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी और हाफिज अब्दुल करीम सेनेटर और मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल मौजूद थे, उसमें उन्होंने नाम नहीं लिए। लेकिन थोड़ी देर पहले जो नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने जो वीडियो पोस्ट की है उसके अंदर उन्होंने नाम भी ले लिए हैं, तो ये एक बहुत ही जिसको एक डेंजरस एस्केलेशन कहते हैं, खतरनाक एक जो चीज है ये बन रही है। लेकिन इस ये जो हकीकत है इसके अंदर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खुद हुक्मरान जमात जो है आज उनकी जो कोर कमेटी जिसको मैं करोड़ कमेटी कहता हूँ उसका इजलास हुआ करोड़ कमेटी में, उसमें और चीजों के अलावा जहां उन्होंने अपना एक मांगे तांगे का डिप्टी चेयरमैन भी लगा दिया चेयरमैन के साथ साथ मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, उनको वहां उन्होंने यह बात भी की इमरान खान ने कि जी तमाम ऑप्शंस हमारे पास हैं, उनमें जो नए इंतखाबात हैं वो भी है। तो वो वजीर आजम जिसने अब चंद दिन पहले ही एतमाद का वोट लिया हो वो नए इंतखाबात की धमकी किसको दे रहे हैं?
मुझे लगता है कि वो धमकी जो है वो पीडीएम को नहीं है, वो धमकी कुछ और लोगों को है जिन जिनके मफादात हैं कि ये सेटअप जो है ये 2023 तक रहे। वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग भी जाएंगे। तो ये एक तरह की, जिसको अंग्रेजी में वो वेल्ड थ्रेट कहते हैं, वो एक इस तरह का वेल्ड थ्रेट है। तो ये उस बढ़ते हुए जो दर्जा हरारत है, जिसको डेंजरस एस्केलेशन या ब्रिंकमैनशिप जिसको कहते हैं, तो इस वक्त ब्रिंकमैनशिप हुकूमत की तरफ से भी हो रही है और अपोजिशन की जो सबसे बड़ी कैंप है पीएमएलएन उसकी तरफ से भी हो रही है। लेकिन इस सारे खतरनाक माहौल में जो सीन है वो अगर सुख चैन की कोई बांसुरी बजा रहा है तो वो यूसुफ रजा गिलानी है। ये इस पूरी जो तस्वीर है जिसके अंदर खारदार कांटे हैं और रेजर वायर्स हैं, ये कहीं रास्ते में आपको गुलाब के फूल मिल रहे हैं। ये एक अजीब किस्म की, एक कॉम्प्लेक्स किस्म की पेचीदा एक टेपिस्ट्री है, एक तस्वीर है। क्योंकि आज जब पूछा गया यूसुफ रजा गिलानी से तो उन्होंने कहा कि जी अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है और मैं कल जीतूंगा। तो ये जो मुर्शिद पाक का जो एतमाद है, मैं कुर्बान जाऊं उनके इस एतमाद पे, उनके मुंह में घी शक्कर और रजा रूमी के मुंह में भी घी शक्कर, लेकिन जो हुकूमत के जो वज़रा हैं वो कल के इंतखाबात के लिए, शेख रशीद साहब जो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूं और हर रोज वो इस तरह का तासुर देते हैं कि वो इस्लामाबाद में रावलपिंडी के नुमाइंदे हैं, लिटरली भी और मुहावरतन भी दोनों मानों में। तो उनका ये कहना कि संजरानी साहब जो है वो सिर्फ हुकूमत के उम्मीदवार नहीं है बल्कि वो रियासत के भी उम्मीदवार हैं। और आज जो हमारे दोस्त सुहेल वड़ाइच का जो कालम छपा है, और कल वो हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे, उन्होंने वादा किया है वो इस इलेक्शन के नतायज पर हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शरीक भी होंगे, तो उन्होंने कहा है कि एक वफाकी वजीर ने उनसे कहा कि भाई हमारा क्या है, जिनका नुमाइंदा है वो खुद ही उनको इलेक्ट करवाएंगे, हमें क्यों परेशान होना है। तो ये जो सूरत हाल है, ये ऑन रिकॉर्ड आज का छपा हुआ कॉलम है। तो ये इस पूरी सूरत हाल को बहुत पेचीदा बनाते हैं। लेकिन ये जो रियासत का नुमाइंदा है, तो मैं आजकल मेज पर जो है वो अपना आईन जो है वो हर रोज रखता हूँ, उसका जो पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 7 जो है, क्लास 7 जो है, उसमें हमारे आईन में, क्योंकि हम तहरीरी आईन पे चलते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, रियासत की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। वो कहते हैं कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट मींस द फेडरल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली एंड सेनेट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अ प्रोविंशियल असेंबली एंड सच लोकल एंड अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान एज आर बाय लॉ empowered to impose any tax or cess। तो अब हमें शेख रशीद और औलादहू या उनके जो एंड कंपनी है, डेफिनेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा आईन जो है वो वाज़े है कि रियासत क्या है। तो उनके नुमाइंदे जो है वो कल मुंतखब होने हैं, तो और इसके अलावा कौन सी रियासत है वो मेरे इल्म में नहीं है।